शहर में बढ़ रही बाइक चोरी की वारदात शिवपुरी पुलिस को चुनौती बनी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर कोतवाली थाना पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। दरअसल कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए दीपक रजक को गिरफ्तार कर पूछताछ के दौरान उसने बाइक चोरी की वारदात करना कबूल किया है। पकड़े गए आरोपी ने बताया कि शहर के अलग अलग जगह से लगभग 35 एवं मुख्य रूप से हॉस्पिटल के सामने से बाइकों को चोरी करना कबूल किया है। वहीं आरोपी द्वारा चुराई गई बाइकों को ग्राइंडर से काट कर 1000 रुपए में हाथ ठेले वालों को बेच देता था। वहीं ठेला वाला उस कटी हुई बाइक को ले जाकर कावड़ी बेच देता था। वहीं कोतवाली पुलिस ने कावड़ी के गोदाम पर छापा मार कर गोदाम से कटी हुई बाइकों को भी जब्त किया है। इस तरह पूरी वारदात में शामिल सभी 5 आरोपियों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 8 मोटरसाइकिलों को बरामद कर लिया है। वहीं जब्त की मोटरसाइकिल की कीमत लगभग 4 से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। आज कुछ मोटरसाइकिल चोरों को पकड़ा है, क्या पूरा मामला है? ये आज शिवपुरी में थाना प्रभारी कोतवाली जो है खेमरिया सुनील खेमरिया, उनको एक सूचना मिली थी। उनके क्या था, पिछले कई दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें हुई हैं शहर में, तो उनके लिए स्पेशली इनको वर्क करने के लिए कहा था। तो एक सूचना ये प्राप्त हुई थी, दीपक रजक करके व्यक्ति ये चोरी कर रहा है। तो दीपक रजक को आज पकड़ा गया, उससे पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि पिछले 1.5 साल में 35 से 40 गाड़ियाँ उन्होंने चोरी की हैं। इनमें से काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाहर वाली करी हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग अपना अंदर चले जाते हैं, फिर वो खाली पड़ा रहता है, लोगों का लगातार आना जाना रहता है, तो शंका नहीं होती है। तो उस पर उन्हें 25 गाड़ियाँ करीबन बताई थी वहाँ पर, और इसके अलावा 35 गाड़ियाँ करीबन और बताई। तो इनसे पूछा गया तो इनके साथ में दीपक के साथ में एक नीरज है और इसके साथ में ब्रजेश है। ये 3 लोग चोरी करते थे, गाड़ियाँ उठाते थे, और फिर एक कपिल खट्टी के माध्यम से जिसके पास छेला वगैरह भी है गाड़ियों को ले जाते थे, और एक यहाँ कबाड़ी वाला विवेक राठौर, वहाँ पे वो मशीनों से उसको कटवा देते थे, उसको 1000 से 2000 रुपए के बीच में पैसा गाड़ी के हिसाब से मिल जाता था। तो ये अच्छी गैंग पकड़ाई है, इसे 5 लोगों को हमने अरेस्ट किया है, कबाड़ी को भी जो ये करवाता था, कपिल खट्टी को भी जो इसमें मदद करता था, और ये जो 3 चोरी करते थे। इनके पास में टोटल 8 गाड़ियाँ मिली हैं, कुछ ये इन लोगों के पास में, चोरों के पास में 2 गाड़ी कबाड़ी के यहाँ पे मिली हैं ठीक ठाक हालत में, और 1 कटी हुई हालत में भी मिली है। तो 8 गाड़ियाँ और 1 गाड़ी और मिली है, 9 गाड़ियाँ। सर, ये मोटरसाइकिलों की जो कटिंग की जाती थी मुखवाड़े की गोदाम में और चोरी की जाती थी, ये तो बड़ा गेम पकड़ में आया, क्या बड़ी गाड़ियों का भी व्यापार करते थे इसी तरह से, बड़ी गाड़ियाँ काटने का, बड़ी गाड़ियों चोरी करने? अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, इनफैक्ट हमने आसपास के और कबाड़ियों के गोडाउन भी दिखवाए हैं, अभी एकदम ये तथ्य सामने नहीं आया, लेकिन इसको विवेचना में ले रहे हैं कि हो सकता है इस तरह का भी कुछ करते हैं। करीबन ये 4 लाख की कीमत की मोटरसाइकिल है जो बरामद हुई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।